राज्य की दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़, सलुम्बर, चौरासी, खींवसर विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव के लिए मतदान होगा। आज निर्वाचन विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद रवाना किया गया। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र यादव और जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। जैसा कि आप सबको पता है, कल दौसा विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारी की गई है। प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि समस्त बूथों पर जो एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइडेड रहें। मैं विधानसभा क्षेत्र दौसा के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूँ कि कल अधिक से अधिक संख्या के अंदर वो जो है अपने मत का प्रयोग करें। कल दौसा विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को उपचुनाव निर्धारित है। इस अवसर पर मैं जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि वे बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी पुलिस फोर्स के इस चुनाव ड्यूटी में, चुनाव कार्य में तैनात हैं, उनसे भी मैं यही अपेक्षा करूँगी कि वे पूरी तन्मयता से और प्रतिबद्धता से शांतिपूर्वक चुनाव करवाने का जो उनको दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन करें।